Hello everyone, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to continue the topic from class 12th chemistry chapter solutions, right? So guys, the topic that we are going to cover up today is concentration of solutions. Basically, I have already posted one part video in which we have talked about mass percentage, right? But in today's video we will be covering other methods also by which we can find out the concentration of any solutions, right? So rest of the parts are very small, and I will be covering those methods in this part of video. And in the third part we will be doing the questions that are related to concentration of solution, right? So let's begin with the today's video. So basically guys, the first topic that we are going to talk about is volume percentage. You can get an idea from its title only, volume and the percentage. It means ki hum kisi component ka volume percentage nikalenge. So basically, if we talk about the definition of volume percentage, so it is volume percentage is the volume of a compound per 100 parts of volume of a solution, राइट right? इसका मतलब है कि हम किसी कंपोनेंट का अगर वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो उस कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज होगा 100 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस के, यानी कि 100 पार्ट जो होगा एक सॉल्यूशन का 100वां पार्ट जो होगा उसके साथ हम लोग कंपेयर करके वॉल्यूम निकालेंगे कंपोनेंट के, राइट? सो बेसिकली इफ वी से अबाउट द फॉर्मूला, देन वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू volume of a component upon total volume of solution into 100, right? So this is about the volume percentage, and nothing more important there. बस आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो volume percentage होगा वो 100 parts of total volume of solution होगा, right? It is very important to focus. The second one is mass by volume percentage. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है बेसिकली? जिसपे हम सॉल्यूट यानी कि उस कंपोनेंट का मास निकालते हैं जिसको हमने डिसॉल्व किया है सॉल्वेंट में, और उसका कॉन्सेंट्रेशन जो हम फाइंड करते हैं वो मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन होता है. यानी कि हम ये देखते हैं कि जैसे हम किसी सॉल्यूट का वॉल्यूम मास परसेंटेज निकाल रहे हैं, राइट? तो हम उस सॉल्यूट का ग्राम में, एंड जो हम लोग वॉल्यूम लेंगे वो पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग होगा, राइट? फाइन. नाउ अगर हम कहें कि फार्मूला की बात करते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का क्या होगा फार्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट? सो ये था हमारा फार्मूला. क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट? एंड जनरली इस मेथड को हम लोग मेडिसिन और फार्मेसी में यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए कि कितना अमाउंट ऑफ हमारा कोई मेडिसिन या फिर आप कह सकते हो लिक्विड डाइट किसी भी पेशेंट के लिए यूज़ की जाएगी, राइट? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को इस फैक्टर में नोटिस करना है. एंड द थर्ड वन इज़ बेसिकली पार्ट्स पर मिलियन, PPM. Parts per million is also one of the important thing, right? And basically इसको हम तब use करते हैं जब हमारा जो solute होता है वो solution में बहुत ही trace amount में, यानी कि बहुत ही कम amount में present होता है, और हम उसको mass percentage, volume percentage या mass by volume percentage से calculate नहीं कर सकते. So हम formula देखते हैं पहले. PPM is equal to number of parts of component अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6, राइट? ये है हमारा फॉर्मूला. इसका मतलब है कि हमें जो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट होगा उसे हमें कैलकुलेट करना होगा. फॉर एग्जांपल जैसे लेते हैं कि हम कोई सॉल्यूट है वो 5 ml है, सो हमें उसे कन्वर्ट करना होगा नंबर ऑफ पार्ट्स में, यानी कि 10 टू द पावर के n के फॉर्म में उसे हमें कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले. तो वो पार्ट्स ऑफ
नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट हो जाएगा, फिर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में जो भी हमारा सारे कंपोनेंट्स होंगे उनके जितने भी पार्ट्स होंगे उसको एडिशन में हमें डिनोमिनेटर में लिखना होगा, और उसके बाद हम 10^6 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ये तो था हमारा पार्ट्स पर मिलियन। नाउ जो हम बेसिकली फोर्थ चीज़ देखने वाले हैं, फोर्थ मैटर, वो है मोल फ्रैक्शन। हम लोगों ने क्लास 11th में भी इस बारे में पढ़ रखा है पहले से, सो अब हम एक ओवरव्यू देखते हैं, राइट। सो बेसिकली मोल फ्रैक्शन क्या है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपाउंड टू टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। यानी कि जैसे मान लेते हैं ए बी सी, ये इन तीनों का मिक्सचर एक सॉल्यूशन है, ए बी सी और कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी, ठीक है। इन तीनों को हमने मिक्स करके सॉल्यूशन ए बी सी बना दिया। अब हमें बोला गया है कि आपको कंपाउंड ए का मोल फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। कंपाउंड ए या फिर आप कह सकते हो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? मोल ऑफ कंपाउंड ए, ठीक है। कंपाउंड ए का हम लोग मोल्स निकाल लेंगे, फिर जो सॉल्यूशन ए बी सी है उसका टोटल मोल निकालेंगे, ठीक है। फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? जो हमने कंपाउंड ए का मोल निकाला था उसको हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपाउंड्स ऑफ मोल्स, राइट। यानी कि हम लोग जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स था उससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए को डिवाइड कर देंगे, राइट। सो मैंने आपको ये एक एग्जांपल देके बताया है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी का, ठीक है। ऐसे ही सेम वाइज आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फॉर्म में भी इक्वेशन लिख सकते हो। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिख सकते हो? मान लो आपको सॉल्यूट लेना है, ठीक है, तो एन यानी कि मोल्स, राइट। सो आप सॉल्यूट एन लिख सकते हो या फिर एन सॉल्यूट लिख सकते हो, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये मोल्स है। फिर आप उसको डिवाइड कर दोगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू होल पावर टू एन, राइट। ऐसे ही आप सॉल्वेंट का भी निकाल लोगे। नाउ अब जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है वो ये है, ठीक है। मान लेते हैं हमें एक्स बी, एक बेसिकली हमें कंपाउंड ए दिया हुआ है, कंपाउंड बी दिया हुआ है, ठीक है। एन ए एन एन बी जो है वो मोल्स हमारे किसके? कंपाउंड ए और कंपाउंड बी के। यानी कि कंपाउंड ए जो है हमारा उसका मोल एन ए है और कंपाउंड बी का जो मोल्स हैं वो है एन बी, राइट। सो मैंने अभी आपको बताया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमने क्या किया था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अमाउंट मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। सो इसी वाइज हम लोग पहले हम लोग कंपाउंड ए का निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो कंपाउंड ए का क्या होगा? एक्स ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी, राइट। सो और सिमिलरली हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी निकाल लेंगे, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। सो ये जो इक्वेशन है बेसिकली जो हमारे राइट साइड की इक्वेशन होगी वो पूरी कट हो जाएगी, राइट। और लेफ्ट साइड की जो एक्स ए और एक्स बी बचेगी उसको हम लोग एडिशन में कर लेंगे क्योंकि वो एक साइड की है, राइट। सो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमेशा वन होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मोल फ्रैक्शन में नोटिस करने वाली है वो यही है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू वन। ये वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी, ये हमेशा फिक्स रहेगी। कोई भी सॉल्यूट हो जाए, कोई भी सॉल्वेंट हो जाए, आप हमेशा ये चीज़ नोटिस करोगे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बी आर ऑलवेज इक्वल टू वन, राइट। नाउ आर नेक्स्ट वन इज आर मेथड नंबर फाइव। मेथड नंबर फाइव इज बेसिकली मोलारिटी, मोलारिटी, राइट। यानी कि कैपिटल एम इज अ साइन फॉर मोलारिटी। मोलारिटी का मतलब क्या है कि जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूट जो डिजॉल्व होगा उसका मोल्स जो होगा, फॉर एग्जांपल जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जैसे एक लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है,
उसमें कितना सॉल्यूट का मोल डिसॉल्व हुआ उसे मोलारिटी कहते हैं। अब फॉर्मूला हम देखेंगे तो कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, राइट। सो इसमें मोलारिटी में हमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करनी है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में हमें कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ, राइट। ये तो हमारी मोलारिटी थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की जो है मोलारिटी। मोलारिटी इज स्मॉल एम, साइन फॉर मोलारिटी। सो बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 किलो सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है, ठीक है, या फिर प्रेजेंट है बेसिकली। और जो मोलालिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, यानी कि टेम्परेचर में कोई भी चेंज हो मोलालिटी की रेशियो या परसेंटेज में कोई भी चेंज नहीं होगा। सो फॉर्मूला इज स्मॉल एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केज, राइट। सो इट वॉज ऑल अबाउट द मेथड दैट आर यूज टू डिटेक्ट द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सब इजी है, बस आपको फोकस करना है कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही है, राइट। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट गो थ्रू योर एनसीईआरटी, गो थ्रू सम रेफरेंस बुक और यू सर्च ऑन द इंटरनेट, सो यू विल गेट वेरियस ऑफ द एग्जाम्पल्स। एंड बेसिकली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे एग्जाम्पल्स, इसके एक या दो दो क्वेश्चन हर मेथड के सॉल्व करेंगे। सो पार्ट थर्ड वीडियो जो होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो दैट अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो थोड़ी भी बहुत तो वो क्लियर आउट हो जाए, कोई डाउट ना रह जाए किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, राइट। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशंस में, एंड जनरली इससे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी। सो हमें दोनों मेथड के लिए प्रिपेयर रहना होगा, दोनों टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना होगा कि कोई भी डाउट हो तो हम उसे अभी ही क्लियर कर लें, एट लास्ट मोमेंट में हमें क्लियर आउट करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड फैंटास्टिक वीडियोज। थैंक यू सो मच एंड टिल देन बाय बाय।